1 BHK है कोया, ये तो देखो किधर जा रही हो तुम अब? लाउंज में। मैं जैसे लोगों के लिए तो फुल पैसा समझती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज राहिल एंड वाचिंग आरएचके व्लॉग्स। ये लड़की इतनी ज्यादा खुश क्यों है वो तो मैं आपको बता दूंगा, आप पूरा व्लॉग एंड तक देखना। हम कहानी में थोड़ा सा आगे आ गए हैं, हम हैं अभी नोवोटेल होटल में, मेरे तरफ से नकटू के लिए एक सरप्राइज, तो आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा हम कौन से रूम में रुके हैं। और नकटू तो अभी फिलहाल वो सातवें आसमान पे है, आपको मैं पूरा होटल का रूम वगैरह सब चीजें दिखा दूंगा। यहाँ तक की जर्नी जो थी हमारी, जो होटल का एंट्रेंस है, क्या क्या चीजें है, वो आप देख लो, देख के आ जाओ, बाकी की चीजें मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। तो जल्दी जाओ और जल्दी आओ। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the night's the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. नहीं कमरा है, हॉल थोड़ी ना, अपन ये सोफे पे सोने वाले हैं। माय गॉड, कितना सही लुक, कितना सही है, वाओ। नाइस, ओ वाओ, हया सुना सामने, यस, कितना सही दिख रहा है। यहाँ रूम है, ये रहा रूम, वाह यार कितना जबरदस्त है, ये तो देखो ओ माय गॉड, मैंने नहीं लिया, होटल वालों ने दिया। और ये डब्ल्यूसी, वाओ यार, वो बोलो एक मिनट, वाओ यार ठीक है, अब मैं इसी में सोऊंगी आज। बटर भी सोऊंगी, अब तुम बेड पे सोना। दो ग्लासेस है, ये किट है, डेंटल किट, कॉम्बो किट, टॉवल्स। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम, ये हयात है, ये WNS है, एंड दिस इज सच अ लवली रूम, बहुत प्यारा रूम है, इसकी फीलिंग ही अलग है। वर्क डेस्क और ये क्लोजेट है, तो दिस क्लोजेट इज टोटली डिफरेंट, यहाँ पे आप चप्पल रखी हुई है, लॉकर, एंड देन ये रेडी होने की जगह, एंड दिस इज ऑल्सो आयरन है, हॉल, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, एरेटेड बॉटल्स एंड ऑल। यस, ये रशिप उठाएंगे परमानेंटली, पैसा नहीं भर पाओगी तुम्हें। मुझे यहाँ काम
भी करना पड़ेगा साथ साथ में। उसको ये चलाना है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। सी ये हॉट वाटर है और एक कोल्ड वाटर है। ये वाला अगर मैं नॉब घुमाऊंगा ना, देखो पानी चल गया, वापस बंद। मजे आ रहे हैं। ये सारे पेटल्स मैं रीयूज कर रही हूं, मैं कुछ ऐसा उसको पूरा स्कैटर कर लेती हूं। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up. आपको जैसे मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये होटल विमान नगर में आता है पुणे में, और काफ़ी अच्छा लैविश होटल है, इसलिए हमने सोचा कि दूसरा छोटा रूम नहीं बुक करके अच्छे से बड़ा रूम बुक करते हैं। तो इस होटल में और दो रूम है, जो सबसे बेसिक है उसका कॉस्ट अभी ऑफर में चल रहा है तो 2600 रुपीज़ में दे रहे हैं, फिर 500 को भी कुछ टैक्सेस अलग है, तो 3000 तक जाता है जो इनका नॉर्मल रूम है जो बेसिक है। फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव रूम है जो 4,000-4,500 के आसपास जाता है, और फिर ये जूनियर स्वीट आता है जिसका कॉस्ट है 7,200 रुपीज़ विद टैक्सेस, और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। इसमें हैप्पी आवर्स भी एडेड है साथ में, इसलिए इसका कॉस्ट इतना है। हैप्पी आवर्स में अगर आप ड्रिंक करते हो, जैसे कि मैं और नक्टू हम ड्रिंक नहीं करते हैं, तो जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हैप्पी आवर्स में यहाँ पे नीचे लाउंज है जो कि 6 to 8 PM के बीच में आपको 2 packs जो है वो फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ लेते हो तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम तो ड्रिंक करते नहीं, तो हमने उनको बोला कि इसका रिप्लेसमेंट कुछ है, जैसे हम मॉकटेल्स वगैरह ले सकते हो। उन्होंने बोला कि हाँ आप मॉकटेल्स ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे रेंज है। अभी बज रहे हैं 4:30, तो अभी एक बार इसका डेकोरेशन का हो जाए, उसके बाद में मैं फ्रेश हो जाऊँगा। फ्रेश होकर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद में फिर शाम में जब हम नीचे जाएंगे लाउंज के लिए, तब मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो अगर ये व्लॉग आपको हमारा पसंद आ रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपकी सब्सक्रिप्शन की और लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम और भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट के लिए प्रोवाइड करें। ये देखो यहाँ पे भी मैडम रेडी हो रही है, और ये पाउच में चीज़ें सब, यहाँ पे भी मेकअप का सामान लेके। और ये देखो मेरे पैर में चप्पल नहीं है, इन्होंने है ना चप्पल नहीं है, एक ही चप्पल दी थी। ये लड़की देखो चप्पल पहन के घूम रही, किधर तो मेरी चप्पल क्यों नहीं निकाल के दी, खुद ही चप्पल पहन के घूम रही, मेरे को नहीं निकाल के दी चप्पल। फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ। हो गए रेडी? किधर जा रहे हो तुम? अब लाउंज में लेने जा रही हूँ। कैसा लगा तुम्हें? बहुत ज्यादा अच्छा है। सबको ऐसा ना एक ना एक बार लग्जरी ट्रिप करनी चाहिए किसने किसी अच्छे फाइव स्टार होटल की। मुझे फील है ना वो सिर्फ एक रूम वाली चीज में नहीं आते, स्ट्रीट लो और मस्त वन नाइट स्टे करो, फुल पैसा वसूल। मेरे जैसे लोगों के लिए तो फुल पैसा वसूल। मैंने अभी लिया है वर्जिन मोजिटो, और नक्टू ने ली है ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज में पता नहीं क्या नाम है उसका, तो ऑरेंज में ली है। और साथ में हमें दो स्टार्टर्स भी मिल रहे हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। तो वेज में नक्टू ने लिया है चिली पनीर, और मैंने लिया है चिकन टिक्का मसाला। तो बस अभी हमारे ड्रिंक्स और हमारा स्टार्टर्स बन रहा है, बस अभी एंजॉय करेंगे वेज। तो अभी बज गए हैं 7:30, आधा घंटा और है, 8 बजे तक हम यहीं पर बैठेंगे, ऐसे चिल करेंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे। नहीं ना तेरे प्रॉब्लम की मैं सरप्राइज कोर्स।
Enjoy. Nice, na? So हमारे starters भी आ गए हैं, chicken है और वो पनीर है। चलो आप भी खा लो, मैं भी खा लो, तो इसमें से नहीं खाना, अपना अपना खाना ये मैं खाऊंगा। तो अभी हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे, कोल्ड ड्रिंक मैं साथ में लेके आया हूँ। ये वॉशरूम है, अगर आप स्विमिंग करके आते तो ये चेंज कर सकते हैं। ये है स्विमिंग पूल, नाइस ना, सोक नाम से है। तो बहुत अच्छी नींद आई है, बहुत अच्छे से सो के उठे हैं हम अभी। हमारे पैकेज में जो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो 10:30 बजे का टाइम है ब्रेकफास्ट का, तो अभी बज रहे सुबह के 9:30, तो 1 घंटा बाकी है। तो बस अभी उठ के ब्रश वश करके फ्रेश हो, नक्टू ब्रश कर रही है, तो ऐसे ही जाके पहले ब्रेकफास्ट करके आएंगे, उसके बाद में शावर लेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या है सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, तो देख लो आप एक बार। चलो फिर चलते। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन, उसमें से इतना हमने किया है, अब मसल ऑमलेट भी मंगाया है। तो हो गए हम रेडी, फाइनली चेकआउट करने का टाइम आ गया। जून में मेरा बर्थडे आता है, तो हमने सोचा कि उस टाइम में फिर से अच्छी जगह ऐसी ट्रिप प्लान करेंगे, तो अभी हमने शॉर्ट रखा इस चीज़ को। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमारा टाइम हो गया है, अभी बज रहे 12:30 बजे का चेकआउट था, पर आधा घंटा एक्सटेंडेबल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, तो हमने उनको बता दिया कि 15 मिनट में हम चेकआउट करेंगे। तो अभी हम बस निकल रहे हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो फिर व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करना है। कमेंट सेक्शन भर दो पूरा। दिस इज आई साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सलामत। There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true.